Hello dear students, today we will see a problem from NTA Abhyas app. NTA Abhyas app के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, NTA Abhyas app एक ऐसा ऐप है जो NTA जो IIT JEE का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है एजेंसी, उसने ऐप बनाया जिसमें आपको अराउंड 50 मॉक टेस्ट अवेलेबल है, जिसके टेस्ट नंबर 1 का सेकेंड क्वेश्चन है. ये बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है फंक्शन, ये फंक्शन दे रखा है, इसका डोमेन आपको निकालना है. ओके, सो लेट्स सी द प्रॉब्लम हाउ टू सॉल्व दिस. स्टार्ट द प्रॉब्लम. व्हाट इज द प्रॉब्लम गिवन? y इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ e रेज पावर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 इंटू लॉग ऑफ x माइनस 1. सो हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? तो बच्चों यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि ये एक फंक्शन है एंड दिस इज़ अनदर फंक्शन. सो व्हेनेवर देयर आर टू फंक्शंस इन मल्टीप्लाई देन इस तरह के फंक्शंस का डोमेन क्या होता है? तो अगर आपके सामने ए फंक्शन एफ एक्स है और दूसरा फंक्शन जी एक्स है और दोनों मल्टीप्लाई में है, तो इसका डोमेन क्या होता है? इसका डोमेन हो जाता है बच्चों इस फंक्शन एफ का डोमेन इंटरसेक्शन इस फंक्शन जी का डोमेन. तो बच्चों हम इस फंक्शन एफ एक्स का डोमेन निकालेंगे, दिस फंक्शन एफ एक्स एंड दिस फंक्शन जी एक्स. तो इस एफ एक्स का डोमेन निकालेंगे और इस जी एक्स का डोमेन निकालेंगे. तो हाउ टू फाइंड द डोमेन ऑफ दीज टू फंक्शंस? लेट्स सी. लेट मी राइट द फंक्शन. फर्स्ट इज एफ एक्स ई रेस्ट पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1. So for writing the domain of this function, I can write x square minus 1 should be greater than or equal to 0, because square root ke andar x square minus 1 hai, that should be greater than or equal to 0. This implies that x plus 1 into x minus 1 should be greater than or equal to 0. What does it mean? It means ki agar main number line pe इन फैक्टर्स के जीरोस को प्लॉट करता हूँ, माइनस वन प्लस वन, सो इस रीजन के लिए एक्सप्रेशन का साइन विल बी पॉजिटिव, फॉर दिस रीजन द एक्सप्रेशन साइन विल बी नेगेटिव एंड फॉर दिस रीजन एक्सप्रेशन साइन विल बी पॉजिटिव. नाउ व्हाट आई वांट ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स द पॉजिटिव साइन इज रिक्वायर्ड. सो एक्स विल बिलोंग फ्रॉम माइनस इन्फाइनाइट टू माइनस वन union 1 to infinite. So this is the domain of function f. Now let us consider gx function. Gx function is this log of x minus 1. Now let's see, gx is log of x minus 1. For this gx to be defined, for the domain of this function x minus 1 should be greater than 0. This implies that x is greater than 1, means x belongs to 1 to infinite. So this is the domain of second function. I can write it like dg. So in previous here what I found, the domain of f, and here I found domain of g. So in next I can write domain of f is x belongs to minus infinite to minus 1 union 1 to infinite, and domain of g I got x belongs to 1 to infinite. A final domain kya ho jayega? Answer of domain will be common of these two रेंजेस. इनमें कॉमन क्या है बच्चों? कॉमन आपको दिखाई दे रहा है कि x बिलोंग्स टू 1 टू इन्फाइनाइट इज द कॉमन ऑफ दीज टू डोमेन्स, डोमेन ऑफ g एंड डोमेन ऑफ f. सो आवर फाइनल आंसर विल बी x बिलोंग्स टू 1 टू इन्फाइनाइट. सो लेट अस सी इन द क्वेश्चन विच ऑप्शन इज करेक्ट. सो आई कैन सी द ऑप्शन ए इज करेक्ट. थैंक यू.